अस्सलामुअलैकुम, एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेंज द टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट का पास्ट करा था और आज उसका अपोजिट यानी पास्ट का प्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको, गोज है तो हम क्या करते, वेंट कर रहे थे। यहाँ एकदम अपोजिट, जैसे कि यहाँ अगर आपको वांटेड दिया है तो आप उसका वांट या तो क्या करते हो कि वांट्स, के में तो क्या कर दोगे कम या तो कम्स। अच्छा, कहाँ एस लगेगा वो भी बता दूँ। अगर आपको ही शी और इट दिया है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या किसी पर्सन का नाम है, जैसे रोनीता दिया है, सोना दिया है, राहुल दिया है, कोई पर्सन का नाम है, तो आप वहाँ क्या करोगे कि जो वर्ब यानी क्रियापद है उसके पीछे एस या तो एस लगेगा। ओके, अगर आपको पास्ट टेंस का प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हो तो आपको हैड दिया है तो वहाँ देखना है आपको कि तो जो वर्ब है उसके यानी जो टू बी का रूप है उसके पहले आपको ही शी इट दिया है या किसी पर्सन का नाम दिया है तो आप हैड का क्या करोगे, हैस करोगे। पर अगर आपको आई वी यू थे दिया है तब आप हैड का क्या कर दोगे, हैव करोगे। ओके, उसी तरह से अगर आपको डिड दिया है तो डिड का आप क्या करोगे, वर्ब के पहले देखना है आपको ही शी इट है या किसी का नाम है तो क्या कर दोगे, डज। पर अगर आई वी यू दे या तो प्लूरल यानी बहुवचन न है तो आप क्या कर दोगे, डिड का डू कर दोगे। अब सिंपल पास्ट यूज़ कहाँ होता है और क्यों यूज़ होता है। सिंपल पास्ट या तो पास्ट टेंस हमको पास्ट की यानी भूतकाल की जो घटना है वो बताता है, सिचुएशंस इंसिडेंट बताता है। और पास्ट टेंस आप पहचानेंगे कैसे, टीचर ये तो आपने बता दिया चेंजेस क्या करना है, तो हमको सेंटेंस में कैसा पता चलेगा ये चेंजेस करने की थी, सेंटेंस में कैसा पता चलेगा। याद रखना, जब भी पास्ट टेंस हो वहाँ जो क्रियापद यानी वर्ब है वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ वांटेड में ईडी आ रहा है ना, दिख रहा, तो आपको मोस्ट ऑफ जो वर्ब है उसके पीछे ईडी होगा अगर यस। कितनी बार ईडी नहीं होता, जैसे कम का ही देख लो, केम होता है राइट, तो यहाँ ईडी नहीं होगा उसका पास्ट फॉर्म होगा। या तो अगर आपको कितनी बार ऐसा करते हैं कि आपको वहाँ लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे ऐसा लिख के दिया हुआ होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस पे देखते हैं हम। यस, आई प्रेड टू गॉड फॉर यू, मैंने गॉड से आपके लिए प्रार्थना किया। यहाँ देखिए प्रे का पास्ट में ईडी पास्ट फॉर्म दिया यानी देखिए ईडी वाला फॉर्म है राइट। तब याद रखना हमको इसका क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट करना है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ देखिए वीडियो में कि यहाँ जो भी ही शी इट होता है या तो एक नाम है तो उसके बाद हम वर्ब के बाद एस या एस लगाते हैं। पर यह हमारा क्या दिया है, आई दिया है, तो प्रे का हम क्या कर देंगे, प्रेड का क्या कर देंगे, प्रे। तो क्या हो जाएगा, आई प्रे टू गॉड फॉर यू। ओके, सेकेंड सेंटेंस, माई फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी फॉर माई स्टडी, हमको सिर्फ वर्ब में चेंज करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हेल्प्ड, यहाँ देखिए ईडी दिया, अब याद रखिए माई फैमिली मेम्बर्स दिया, यहाँ मेम्बर नहीं बोला, एस लगाए यानी प्लूरल, ये बहुवचन है। तो अब जब भी जो वर्ब है वो वर्ब कैसा होगा, एस या एस नहीं होगा वर्ब में, वर्ब भी प्लूरल होगा, तो क्या हो जाएगा, माई फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड का क्या हो जाएगा, हेल्प मी फॉर माई स्टडी। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस, सोनम टुक माई बुक टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, सोनम ने मेरी बुक ले गई थी एग्ज़ाम के लिए। ओके, यहाँ देखिए टुक दिया है, यहाँ पहले जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में ईडी दिया है तो हमको पता चल जा रहा है कि पास्ट है, पर यहाँ देखिए टुक, टुक का वर्ब का पास्ट फॉर्म है, यहाँ तो ईडी से आपको पता चले, यहाँ ईडी नहीं है तो आपको अमुक वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। ओके, चलिए सेंटेंस पे, सोनम, अब यहाँ नाम दिया, मैंने बोला था ना पहले वीडियो के पहले ही कि आपको ही शी इट या किसी इंसान का नाम, जैसे रोनीता सोना बोला था राइट, तो यहाँ आपको क्या दिया, सोनम, किसी पर्सन का नाम दिया है तो जो वर्ब है उसके पीछे क्या लगेगा, एस या तो यस। और टुक है, टुक का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, बेस्ट फॉर्म टेक होता है और वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, एस, तो सोनम टेक्स। बाकी सेंटेंस कॉपी हो जाएगा, माई बुक टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। उसी तरह से ही सोल्ड हिज मोबाइल टू गेट सम मनी, उसने अपना मोबाइल बेच दिया, पैसे लिखे कुछ पैसों लेके लेने के लिए। ओके, ही सोल्ड, सोल्ड सोल्ड मतलब बेचना होता है, तो ये सोल्ड के पहले हमको देखो वर्ब के पहले क्या दिया है, ही दिया है, ही दिया है तो जो वर्ब है उसके पीछे में क्या लगाऊंगी, एस या ई एस। और सोल्ड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, सेल, तो क्या हो जाएगा,
ही सेल्स हिज मोबाइल। अब यहाँ देखिए कुछ प्रॉब्लम होगा टीचर, यहाँ टू के साथ जैसे टू स्टडी दिया था, टू गेट दिया। याद रखिए जब भी कोई वर्ब टू के साथ दिया होता है तो उसमें चेंज नहीं करते, ओके। कोई भी वर्ब चाहे फिर ये टू गेट हो, टू स्टडी हो, टू गो हो, जब भी कोई वर्ब टू के साथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उसे वैसा के वैसा ही रख देते हैं। तो टू गेट का टू गेट ही रखेंगे, मनी, ओके। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। प्रहलाद्स फादर आस्क हिम टू स्टॉप वर्शिप विष्णु। प्रहलाद के पिताजी ने उन्हें कहा था कि विष्णु की मतलब आप प्रार्थना ना करें या पूजा ना करें, बट प्रहलाद रिफ्यूज्ड टू अनजस्ट ऑर्डर। पर प्रहलाद ने ये नहीं माना। ही आस्क हिज सिस्टर होलिका टू बर्न अप प्रहलाद। तो उन्होंने उनकी बहन होलिका को कहा प्रहलाद को जलाने के लिए। ही प्रहलाद कुड नॉट बर्न बाय होलिका। पर प्रहलाद होलिका से जल नहीं सके, मतलब वो बाकी रहे। होलिका वॉज बर्न बाय द फायर, और जो होलिका है वो खुद रहते वो जो आग है उससे जल गए, ओके। चलिए हम लोग सेंटेंस पर देखते हैं। पास्ट का हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट। यहाँ जो वर्ब है जहाँ जहाँ हमें चेंज करना है वहाँ मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करी हुई है, तो आप देख सकते हो। अब प्रहलाद फादर आस्क्ड लिखा, यह वर्ब का पास्ट फॉर्म था, तो हम लोग को प्रेजेंट करना है। अब प्रहलाद फादर, प्रहलाद के फादर, अब याद रखिए, अब कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि बहुत सारे एपोस्ट्रॉफी एस मतलब होता है किसी के मालिक के बता रहे हैं, तो प्रहलाद के पिताजी, अब पिताजी एक है तो जो वर्ब है सिंगुलर है, यानी जो वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर, यानी जो क्रियापद भी कैसा होना चाहिए सिंगुलर। तो आस्क के यहाँ देखिए पास्ट फॉर्म था, ईडी दिख रहा है, यस। तो प्रेजेंट करेंगे तो आस्क और पीछे क्या लगा देंगे, एस, बिकॉज सामने कितने पर्सन है, एक पर्सन है, इसीलिए इसको, ओके। टू हिम टू स्टॉप, दिख रहा है टू स्टॉप, मैंने कहा था ना कि अगर आपको कोई वर्ब टू के साथ है तो उसमें हम चेंजेस नहीं करते, वर्कशिप विष्णु। आगे बट प्रहलाद रिफ्यू, सॉरी यहाँ एस लगाना भूल गई मैं, तो रिफ्यूज्ड का क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ एस लग जाएगा। ही अनजस्ट ऑर्डर, ही आस्क्ड, यहाँ आईडी दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही दिया है तो वर्ब के पीछे क्या लगता है, एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क हिज सिस्टर होलिका टू बर्न, अच्छा यस, टू के साथ कोई वर्ब दिया है तो वहाँ चेंजेस नहीं होगा। प्रहलाद कुड नॉट, यस, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, यहाँ कैन का कुड करा था, शैल का शुड करा था, बिल का वुड करा था, तो यहाँ जो कुड दिया है तो कुड का क्या करेंगे, कैन करेंगे, तो प्रहलाद कैन नॉट बी बर्न, अच्छा यस। अब ये बर्नड बाय होलिका ऐसा दिया है, याद रखिए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है, बिकॉज यहाँ बाय लगा हुआ है तो यहाँ हम बर्नड में चेंज नहीं करेंगे। ये एक्टिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस था, पास्ट में था, और ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट में हो गया। होलिका वॉज बर्न था, तो वॉज का क्या हो जाता है, इज़, होलिका इज़ बर्न बाय द फायर।